एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं फिर से एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ में आई हूँ, एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी और उसके साथ साथ एक नया अपडेट भी लेकर के आई हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर और भी वीडियोज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपको, तो ज़रूर से देखिएगा, ठीक है, सारे वीडियोज़। और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा है और अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो ये अपॉर्चुनिटी आ रही है फ्रॉम एप्स एसोसिएट्स एंड दे आर सिलेक्टिंग, दे आर हायरिंग फॉर द पोजीशन ऑफ एसोसिएट ट्रेनी। एंड उसमें आपका जो रिक्वायर्ड स्किल्स होगा वो एनालिटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, डेटाबेस प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड, टेक्निकल स्किल्स, ये स्किल्स रिक्वायर्ड है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी के बारे में दिया हुआ है, उसकी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट भी कंपनी ने यहाँ पे मेंशन की है। और अब बात करते हैं तो अगर स्टडीज़ की डिग्री की ब्रांचेस की, तो यहाँ पे बीटेक और बी के ब्रांचेस एलिजिबल हैं और उसमें बीटेक और बी की डिग्री एलिजिबल है और उसमें ब्रांचेस सीएस और आईटी होना चाहिए। और कौन से बैच, मतलब कि कौन से ईयर पास आउट होने चाहिए, तो 2022 ईयर पास आउट। सो अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सो सैलरी होगी 6 LPA की, लेकिन आपको पहले इनिशियल 6 मंथ्स आपको 5.5 LPA का पैकेज दिया जाएगा। और डेजिग्नेशन जैसा कि मैंने आपको बताया एसोसिएट ट्रेनी की होगी। और स्किल्स रिक्वायर्ड भी हमने देखा कि आईटी, एनी टेक्निकल स्किल्स विद डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हो कि गुड प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए, गुड लॉजिकल एनालिटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, गुड ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट स्किल्स, अप टू डेट नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब जॉइनिंग लोकेशन क्या होगी, तो हैदराबाद होगी, लेकिन करंटली ये रिमोट होने वाली है, करंटली रिमोट होगी, यानी कि बाद में जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है तो आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना होगा, ठीक है। और जॉइनिंग पीरियड के बारे में देख ले तो अगस्त या फिर सितंबर में आपका जॉइनिंग टेंटेटिव जॉइनिंग डेट्स है, ये मतलब कि मंथ्स है 2022 के। और जो इंटरव्यू लोकेशन होने वाली है वो आपकी वर्चुअल होने वाली है। और अब कट ऑफ देख ले, परसेंटेज क्राइटेरिया जो है वो 70% एंड अबाव है अक्रॉस एकेडमिक्स एंड नो स्टैंडिंग एरियर्स। देन सिलेक्शन प्रोसेस विल बी शॉर्ट लिस्टिंग ऑन ग्रेट लर्निंग सोर्स, यानी कि आप यहाँ पर अप्लाई करोगे और उसके बाद में आपका शॉर्ट लिस्टिंग अगर होता है तो उसके बाद में आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा और एक HR इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब बॉन्ड की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक जो अपडेट बताने वाली थी वो आपको बता दूं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको इंटर्नशाला के बारे में पता ही होगा। सो यहाँ पे इंटर्नशाला की तरफ से बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आप देख सकते हो। प्रोग्रामिंग में 21 है, यहाँ पे आप स्वाइप अप करके देख सकते हो कि बहुत सारे हैं, फ्रॉल, ब्लॉकचेन, एंगुलर, गेट एंड गिटहब, रिएक्ट के लिए है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, कोर जावा, देन बहुत सारे प्रोग्रामिंग विद पाइथन, ऑल ओवर, मतलब कि 21 टोटल प्रोग्रामिंग के लिए है। देन उसके बाद में बिजनेस एंड मैनेजमेंट के अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं आपको, अगर उनका ड्यूरेशन, अभी आपको मैं एग्जांपल के लिए प्रोग्रामिंग विद पाइथन को ओपन करती हूँ, इसमें आप देख सकते हो 6 वीक्स का ड्यूरेशन है। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ड्यूरेशन और आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जैसे कि आपको लर्न फ्रॉम होम होगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्लेसमेंट का असिस्टेंस दिया जाएगा। और देख सकते हो 57 वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, यानी कि काफ़ी डेप्थ में है। 5 असाइनमेंट होगा प्लस 1 प्रोजेक्ट भी होगा। तो अगर इंग्लिश में सीखना है और हिंदी में सीखना है तो आप एज़ पर योर चॉइस आप चॉइस कर सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, बिगिनर फ्रेंडली होगा, मतलब कि डायरेक्टली डिफिकल्ट लेवल से कुछ स्टार्ट नहीं होगा, अच्छे से बिगिनर लेवल से स्टार्ट होगा। और आपका जो कंटेंट होगा वो लाइफ टाइम एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो ये था, अब इसमें आपको मैं और भी बता दूँ कि मैनेजमेंट होगा और कोर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स भी है, 17 टॉपिक्स है, डेटा साइंस के टॉपिक्स है, डिज़ाइन के टॉपिक्स है, क्रिएटिव आर्ट्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, लैंग्वेज में भी अप्लाई कर सकते हो, करियर डेवलपमेंट में, आर्किटेक्चर में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप नीचे स्क्रॉल करो और भी कुछ आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छे से वो लोग ने लिस्ट डाउन भी किया है। तो यहाँ पर आपको एक फ़ायदा बता दूँ मैं आपको कि आपको यहाँ पर 55% आपको 55% एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा प्लस 10% एक्स्ट्रा ऑन ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। अगर आप ये वाला, मतलब कि आप कॉलेज कूपन यूज़ करते हो तो
यहाँ पे मैं आपको एक कूपन दूंगी, ठीक है? आपको वो कूपन यूज़ करना है, और इसमें आपको यूज़ कब तक करना है, 15 आवर्स 4 मिनट एंड 32 सेकेंड्स के, मतलब कि आपको इतने टाइम में ही आपको वो कूपन का यूज़ करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका कूपन होने वाला है, और ये कूपन, ये वाला जो लिंक है मैं आपको दे दूंगी। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, सपोज आपको एक ये पाइथन प्रोग्रामिंग आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, यू हैव सेव 3,750 रुपीज़ यूजिंग ISP वंदनाज रेफरल ऑफर एंड सिन, ठीक है? इतने टाइम में आपका ऑफर एंड हो जाएगा और आप इतना रुपए सेव करते हो, यानी कि ये जो पैकेज है, ये जो कोर्स है वो 4,999 का है, बट आपको ये सारा 55% ऑफ प्लस 250 रुपीज़ एडिशनल ऑफ के बाद में आपको 1,249 का ये कोर्स मिलेगा, ठीक है? तो आप बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं यहाँ पे, आप सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और आपको यहाँ पे कूपन यूज़ करना है, ठीक है? यहाँ पे तो अगर आप मेरे लिंक से ही, आपको पहले एक और पॉइंट याद रखने वाली बात ये है कि जो लिंक मैं आपको दूंगी वही लिंक से आपको विजिट करना है, और वहाँ पे ऑलरेडी ये वाला कूपन कोड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कूपन कोड नहीं डालोगे तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा, ठीक है? तो डायरेक्ट आपको कोई और लिंक यूज़ करना नहीं है, आपको यही यूज़ करना है जिसमें वंदना का, मतलब कि वंदना का रेफरेंस है, वो वाला लिंक, ठीक है? सो ये था अबाउट दी अपडेट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है? सो ये हो गया अबाउट द अपडेट। सो लेट्स बैक टू द जॉब अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि बॉन्ड साइन करना होगा, तो ये सब आपको बॉन्ड साइन करना होगा। तो बॉन्ड ब्रीचिंग, अगर आप बॉन्ड को तोड़ते हो तो आपको 2 लाख रुपीज़ का वो फी, मतलब कि चार्जेस पे करना होगा। ड्यूरेशन क्या होगा, तो 2 ईयर्स का बॉन्ड ड्यूरेशन होगा। सो अप्लाई कहाँ से करना है ये आपको पता है, अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए अप्लाई क्लिक करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है, ठीक है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी अपॉर्चुनिटी एज वेल। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन पे हिट करो, और अगर आपने ये सारे वीडियोस में से मतलब कि कुछ मिस कर रहे हो तो डू चेक द वीडियोस, ठीक है? काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पे आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, टीचिंग के ऊपर भी है, आप देख सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन पे हिट करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।